हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। ये देखो दोस्तों, हम क्रेन पे ऊपर आ चुके हैं और आज हम आपको जानकारी देंगे कि ये पोर्टेन की MCT85-2C मशीन है, टावर क्रेन है, जिसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम आपको आज डीपली बताएंगे कैसे आप टावर क्रेन चलाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों देखो, हम ऊपर आ चुके हैं और आज हम इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखना, और पार्ट्स के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, अभी हम सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं। देखो ये इसकी बूम है और ये जो मोटर हमें दिखाई दे रहा है, ये इसका ट्रॉली को आगे पीछे करने के लिए मोटर है। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये मोटर होस्टिंग का मोटर है, जो होस्टिंग का मतलब है कि अप डाउन जो हम लोड उठाते हैं वो काम इसका रहता है। इसके पीछे ब्रेक रहते हैं और ये इसके केबल कनेक्शंस हैं, क्योंकि अलग अलग स्पीड इसमें रहती हैं। और ये इसके कनेक्शन के बारे में समझाया हुआ है इसकी इस प्लेट पर। और यहाँ पे कनेक्शन के जस्ट नीचे में इसकी मोटर की प्लेट है, जिसमें मोटर के सारे फंक्शंस के बारे में बताया जाता है कि भाई ये कितने HP का है, कितने किलोवाट का है और इसके RPM कितने हैं, वो सब, ये किस तरह का मोटर है, तो ये सब नेम प्लेट पर इस पर रहता है। और ये इसका ड्रम है जिस पर इसकी वायर रोप लिपटी रहती है। ये रोप ही हुक को ऊपर नीचे करने में काम करती है, जिससे कि ये अप डाउन होता है, इस पर लिपटता रहता है और इससे खुलता है तभी हुक अप डाउन होता है। तो इस वीडियो को बनाने में हमारी हेल्प करेंगे हमारे भाई रमेश जी। तो ये हमारे क्रेन ऑपरेटर हैं, जिनको लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस है टावर क्रेन चलाने का। तो अभी इनकी मदद से हम इस वीडियो को बनाएंगे, इनसे जानकारी लेंगे, जो सारी नॉलेज बताई हुई इन्हीं की होगी, जस्ट हम आपको करके दिखाएंगे बस, बाकी हम इन्हीं से। रमेश जी, क्या हाल चाल हैं आपके? सर बढ़िया, ठीक ठाक। तो आज हमें आप टावर क्रेन के बारे में समझाओगे कि इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, जिससे हम अपने दर्शकों को बता सकें। जी, करके हम ही दिखाएंगे, आप हमें समझाओ, हम दर्शकों को समझाते हैं। ठीक है जी? ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये मैं कपड़ा रखा था। तो दोस्तों कैबिन में आते हम देखते हैं कि इसके लीवर के बारे में हम देखते हैं कि इसमें दो तरफ लीवर दिया है, लेफ्ट में और राइट में। तो इस तरह से हम इसके बारे में आपको डीपली समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कैबिन का थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं कि कैबिन में हम देखते हैं कि ये देखो इसकी सीट देखते हैं, ये इस टाइप की इसकी सीट है। यहाँ पर AC लगी हुई है, फ़ैन की सुविधा है, एक और छोटा फ़ैन रमेश जी ने लगाया हुआ है। तो इस तरह से अब यहाँ से हम इस, ये विंडो है हमारे सामने की, जिसमें से हम बैठ के सीट पर बाहर का व्यू देखते हैं। और ये मोबाइल और वॉकी टॉकी रखने के लिए है। तो ये राइट साइड का आप देखते हो लीवर और ये लेफ्ट साइड का लीवर है। तो इस तरह से हम इन्हीं से ही इसको ऑपरेट करते हैं। तो अब ये इसके बारे में समझाते हैं। ये इमरजेंसी और ग्रीन बटन हमें दिखाई दे रहा है, इमरजेंसी दबा हुआ रहता है तो ये बंद रहती है, इसका ऑपरेटिंग सिस्टम बंद रहता है। तो अभी डीपली हम इसको समझाते हैं आपको। इमरजेंसी को हम जस्ट राइट में घुमा के इसको रिलीज करेंगे। इसको हमने रिलीज कर दिया और थोड़ा नज़दीक से दिखा देते हैं। अभी जैसे इमरजेंसी को हमने राइट में घुमाया, रिलीज हो गया और ये ग्रीन बटन हमने दबा दिया, इससे बजर एक बार बजेगा तो समझो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन हो गया और सबको पता भी चल जाता है कि क्रेन शुरू हो गई है। तो ये पहले हम राइट लीवर के बारे में समझाते हैं। जैसे ही इसमें दो फंक्शन रहते हैं, एक जो है ना होस्टिंग का रहता है, सिर्फ इसमें यहाँ पर होस्टिंग का प्रोग्राम रहता है जो अप डाउन करता है सिर्फ। तो हम इसको, इसके बारे में आपको समझाते हैं। देखो हुक पहले हम देख लेते हैं कि हुक कहाँ पे है, तो हुक अब दिखाएंगे हम आपको। तो जैसे ही जस्ट हम इसको आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो ये हुक डाउन करेगा। तो देखो हुक अभी डाउन जा रहा है, तो ऐसे ही ये सामने की तरफ हम जब प्रेस करेंगे तो ये हुक को डाउन करेगा। ऐसे दो नंबर करके देखते हैं, देखो ये थोड़ा स्पीड में जा रहा है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 ऐसे गियर हम लगाते हैं। किसी क्रेन में 3 गियर होते हैं, किसी में 5 तक भी होते हैं। अब जैसे ही हम अपनी तरफ को खींचेंगे लीवर को, तो ये हुक ऊपर की तरफ आएगा। तो ये इसका होस्टिंग का सिस्टम है कि अगर हम बाहर की तरफ को इसको करेंगे तो ये डाउन जाएगा और अपनी तरफ को खींचेंगे तो ये ऊपर आएगा। तो ध्यान से देखना, ये आपकी समझ में आ गया होगा। होस्टिंग का इतना प्रोग्राम रहता है कि लीवर को हम बाहर की तरफ करेंगे तो नीचे जाएगा और अंदर की तरफ करेंगे तो ऊपर आएगा। तो अभी हम लेफ़्ट की तरफ देखते हैं, इसमें प्रोग्राम थोड़े ज़्यादा रहते हैं।
ये पहले हम इसके पुश बटन के बारे में जान लेते हैं। ये इसका बाईपास बटन रहता है, जो इसको प्रेस करके हम ट्रॉली को अपने और ज़्यादा नज़दीक, जहाँ पे लिमिट कट होता है उससे और ज़्यादा नज़दीक हम क्रॉस करके अपनी तरफ ट्रॉली को बुला सकते हैं। तो ये लिमिट का बाईपास है। और इसके बाद में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे, जो इसके पास वाला भी बटन है, तो इसके पास वाला बटन जस्ट ब्रेक का है, जो बूम को हम एक ही जगह स्टेबल करते हैं कि खड़ी कर देते हैं कहीं पे, कोई लोड हम जैसे डाउन कर रहे हैं तो बूम स्विंग ना करे, तो जैसे हम बूम को खड़ी करते हैं तो ये हम प्रेस कर देते हैं, वहाँ पे ये लॉक हो जाती है। तो ये लीवर है इसका, लीवर इसका, इसमें जैसे ही हम इसको लेफ़्ट में करेंगे तो ये लेफ़्ट में जाएगी। तो देखो ये लेफ़्ट में स्विंग होना शुरू हो गई है, और दो नंबर हम इसको कर देते हैं, अभी एक नंबर और डाल देते हैं, तो इसमें देखो ये स्पीड इसकी बढ़ गई है। इसी तरह से हम इसको धीरे धीरे वापस आएंगे तो ये रुक जाएगी। तो अब हम इसको लेफ़्ट में तो हमने देख लिया, अब हम इसको राइट स्विंग करेंगे। तो जैसे ही इस लीवर को हम राइट स्विंग करेंगे, तो राइट स्विंग कर राइट में जब लीवर को प्रेस करेंगे तो ये क्रेन देखो अभी राइट जानी शुरू हो गई है। तो इस तरह से लेफ़्ट में जो लीवर रहता है वो लेफ़्ट राइट में इसको स्विंग करने का काम करता है। तो इस तरह से इसमें भी हम एक दो तीन गियर लगा सकते हैं, जिस क्रेन में ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा भी लगा सकते हैं, स्पीड ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं इसको, इसमें एक फंक्शन और रहता है कि इसको हम जस्ट जैसा आगे करेंगे तो ट्रॉली बाहर जाएगी। देखो ट्रॉली बाहर जा रही है, तो ऐसे ही दो नंबर लगा के देखते हैं, थोड़ी और स्पीड से जा रही है। देखो ये दो नंबर लगाया तो और स्पीड से ट्रॉली बाहर जा रही है। ऐसे ही जब हम इसको लीवर को अंदर की तरफ खींचेंगे तो एक नंबर लगाएंगे तो ट्रॉली धीरे धीरे अंदर की तरफ आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो ट्रॉली अंदर आनी शुरू हो गई है। और जैसे ही दो नंबर लगाएंगे तो ये और स्पीड से आ रही है, ऐसे तीन नंबर में और ज़्यादा स्पीड से आएगी। तो इस तरह से ये इसका फंक्शन रहता है, बाहर की तरफ करेंगे तो ट्रॉली बाहर जाएगी, अंदर की तरफ खींचेंगे तो ट्रॉली अंदर आएगी। और इसका ये इतना हमने समझ लिया, अब इसका कॉर्नर का समझ लेते हैं। अगर हम इसको कॉर्नर में बाहर की तरफ प्रेस करेंगे, इस कॉर्नर में, तो इसके दो फंक्शन शुरू होंगे, ट्रॉली बाहर भी जाएगी और ये लेफ़्ट स्विंग भी करेगी। तो देखो ये लेफ़्ट स्विंग भी कर रही है और ट्रॉली बाहर भी जा रही है। तो इस तरह से इसका ये फंक्शन रहता है। अब इसको हम इसके अपोजिट देखते हैं कि अगर अंदर की तरफ कॉर्नर में हम इसको खींचेंगे तो इसके दो फंक्शन वही राइट में शुरू हो जाएंगे। अब इसको हम इस कॉर्नर में प्रेस करते हैं, देखो इस कॉर्नर में हमने इसको प्रेस किया तो इसके दो फंक्शन शुरू हो जाएंगे, एक तो राइट में ये स्विंग करना शुरू कर देगी और ट्रॉली फिर इसकी अंदर आनी शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से जब हम इसको अंदर की तरफ कॉर्नर में करते हैं तो ट्रॉली अंदर आना शुरू हो जाएगी और ये राइट में स्विंग होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से इस लीवर का फंक्शन आपकी समझ में आ गया होगा। यहाँ से ये होस्टिंग का, राइट में जो लीवर है ये होस्टिंग का काम करता है, बाहर की तरफ करेंगे तो ये ट्रॉली बाहर जाएगी और अंदर की तरफ अंदर आएगी। और इस लीवर का लेफ़्ट वाले का हम बाहर करेंगे तो ट्रॉली बाहर जाएगी, अंदर खींचेंगे तो ट्रॉली अंदर आएगी, और लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट स्विंग होगी, राइट करेंगे तो राइट स्विंग होगी, और कॉर्नर में करेंगे तो इसके दो ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं कॉर्नर में करने के, तो उसमें ट्रॉली बाहर भी जाएगी और स्विंग भी होगा लेफ़्ट में। तो और इसको जब हम कॉर्नर में करेंगे तो ये स्विंग राइट भी जाएगा। और देखो अभी हम इसको थोड़ा ध्यान से दिखा देते हैं, इसको जब कॉर्नर में प्रेस करेंगे तो समझो कि ये बाहर की तरफ जाएगी, और अंदर की तरफ जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ट्रॉली अंदर आएगी और स्विंग राइट होगा। इसकी तरफ हम जब करेंगे तो इसको हम स्विंग को जब कर देंगे तो बूम खड़ी कर देंगे तो लॉक कर देंगे, और इस बटन से हम लिमिट को पार करके ट्रॉली को अंदर बुला लेंगे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि हम इसमें मेन चीज़ देखने की होती है, इसका तो सब समझ जाते हैं, कोई भी ऑपरेटर ये सब आराम से कर लेता है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो आती है वो झोल कंट्रोल करने में आती है। इसका मेन फंडा झोल कंट्रोल करने के लिए होता है कि जो ऑपरेटर झोल अच्छे से कंट्रोल करता है वही अच्छा ऑपरेटर माना जाता है। देखो जिसे हमने इसका हुक डाउन कर लिया है और इसको थोड़ा सा हम इसमें झोल दे के देखते हैं, थोड़ा झटके से इसको, तो अभी जैसे ये हुक हिलेगा तो अभी देखो जैसे ये हुक हिलना शुरू हो गया, तो जस्ट इसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, तो इसको जब ये लास्ट में पहुँच जाएगा हिलता हुआ तो हम ट्रॉली को जस्ट थोड़ा बाहर कर देंगे। अगर ये अंदर की तरफ आ रहा है तो लास्ट में जहाँ पे होगा तो ट्रॉली को अंदर कर देंगे, उस तरह से हम इसका झोल कंट्रोल करते हैं। ये देखो जैसे ही ये अंदर की तरफ, जैसे ही अगर बाहर जा रहा है तो जैसे ही बाहर जाके रुक जाए यहाँ पे, अब ये चला गया तो थोड़ा सा ट्रॉली को बाहर करेंगे,
ये यहाँ पे हमने बाहर किया, तो इसमें 80% तो ये यहीं पे कंट्रोल हो जाता है, बाकी 20% थोड़ा अंदर की तरफ आते हुए को हम इसी तरह से रिपीट कर देते हैं तो वो बिल्कुल कंट्रोल हो जाता है। ये देखो अभी ट्रॉली को अंदर करेंगे तो ये कंट्रोल हो जाएगा, यहाँ पे कंट्रोल हो जाएगा। देखो तो इसका यही फंडा होता है कि जैसे ही हुक जहाँ पे वो लास्ट में हिलता हुआ जाए तो वहीं पे उसके पास में ट्रॉली को ऊपर उसके पहुँचा दिया जाता है। अब स्विंग का देख लो, स्विंग का मेन होता है जो ट्रॉली वाला झोल है ये तो कंट्रोल हो जाता है, लेकिन जो ये स्विंग का झोल है ये आसानी से हर किसी पे कंट्रोल नहीं होता है, इसमें अच्छे अच्छे ऑपरेटरों के पसीने छूट जाते हैं। तो देखो ये जैसा ही हुक हिल रहा है तो हमें यहाँ पे भी यही ऑप्शन इसमें अपनाना है कि जैसे ही हुक हिलता हुआ लास्ट तक पहुँचे तो वहीं स्विंग करके बूम को ले जाके उसके ऊपर कर दो, तो ऐसा लेफ्ट राइट करके एक दो बार करना होता है तो बिल्कुल एकदम कंट्रोल में आ जाता है। तो हमें यही देखना चाहिए कि जैसे ही हुक हिलता हुआ किसी एक पर्टिकुलर लास्ट जगह पर पहुँचे तो उसी जगह पर हम उसको बूम को पहुँचा दें, तो यहाँ पर ये स्विंग का झोल कंट्रोल हो जाता है। तो इसको आप प्रैक्टिकली जब करोगे चलाओगे तो आप उसको तभी बेहतर कर पाओगे। ऐसे हमने सिर्फ एक फंडा ही बताया है, बाकी ये चलाने के बाद में ही होता है कंट्रोल। तो दोस्तों हमारी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।